उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से। रात के 12:15 हो रहे हैं मगर अभी तक घर को जाने का कोई प्लान नहीं है, ना बच्चों का है, ना उनके डैडी का है, ना उनकी बच्ची का है। और अब हम आ गए हैं सभी लेडीज़ की फेवरेट स्टोर पर, ज्वेलरी स्टोर पर। यहाँ पर बिना आए कोई लेडीज़ की शॉपिंग ही नहीं होती है, ईद की स्पेशली ये वाला पार्ट ज़रूरी है। साइज मिल जाएगा इसमें? और मैं मेरे ईद के ड्रेस के हिसाब से यहाँ पर कुछ बैंगल्स और सेट्स वगैरह पसंद कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे मिल गए यहाँ पर। मैंने पीच नहीं है ना मेरा, और उन्होंने मुझे ये सेट भी बताया मगर एकदम ये हैवी हो जाएगा, ये हमारे लिए नहीं है, ब्राइडल्स के लिए काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर इयररिंग्स भी बहुत सारे पैटर्न्स थे, एंकलेट्स जैसे पैर की पायल वगैरह होती है ना, काफ़ी बहुत ही अच्छा इनके पास कलेक्शन है। आए थे और मेरे बैंगल्स मैंने फ़ाइनल कर लिए हैं, और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर इनके पास काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, बट ये हील के साथ में, मुझे हील के साथ नहीं चाहिए थे, एकदम फ्लैट चाहिए थे, बट बहुत प्यारे हैं। तो ये वाले सारी ज्वेलरी के स्टोर्स ऐसे इंडियन टाइप के शारजा में केएम ट्रेडिंग के बैक साइड जो भी ये डिम्पल वगैरह है ना, क्लॉथ सेंटर्स वगैरह, मतलब मार्केट है यहाँ पर कपड़ों का, उसके बैक साइड में ये सारी ज्वेलरी के स्टोर्स अवेलेबल हैं, जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये है मेरे ईद के दूसरे दिन के ड्रेस के लिए, ये वाला पिंक मैंने फ़ाइनल किया है ये सेट, और फर्स्ट वाला जो मैंने गोल्डन बताया था ना, मैंने वो फ़ाइनल किया है, दो फाइनल हो गए मेरे। और ये तो मैं बस ऐसे ही लुकआउट के लिए आपको दिखा रही हूँ, ये वाले हैवी ज्वेलरीज है जो ब्राइडल्स के लिए, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, जिसको भी चाहिए वो यहाँ पर केएम ट्रेडिंग के ऑपोजिट बैक साइड आ सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़, हर इंडिया का आइटम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे ब्राइडल के लिए हो गए, या कोई भी फ़ोटोशूट के लिए हो गया, या कोई भी फंक्शन के लिए हो गया, या कोई भी जैसे कि आप लोग के फेस्टिवल्स होते हैं उन उस चीज़ के लिए हो गया, ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा। आए ताजो बैंगल्स बता दो। वाह कितने प्यारे बैंगल्स हैं बच्चे के। हेलो हाय बेबी, हेलो कर दो। अल्लाह और हमने पार्लर से ईद की मेहंदी भी हमारी ले ली है, क्योंकि यहाँ का डार्क कलर होता है। शॉपिंग करते करते हम इतने ज़्यादा थक गए थे, हमें काफ़ी भूख लग रही थी, काफ़ी लेट हो चुका था रात में, और हमें इत्तेफाकन वहाँ पर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया। अरे तुम्हारे बकेट हो ना, बकेट से पानी ना हो जाके घर में, शावर छोड़ दो, शावर छोड़ के ये बकेटा ले लो, ये सांभर से पानी ना हो। और आयत क्या कर रही है? टमाटर, टमाटर की चटनी। ये कौन सी चटनी है? मिर्ची की चटनी। ये है अरहम की इडली, ये है अरहम, ये है अरहम की बाल्टी, ये अरहम की दूसरी बकेट, ये तीसरी, ये देखो मेरी इडली। और हम वेट कर रहे थे ताकि डैड को और मेरा आने के बाद एक साथ स्टार्ट करेंगे। ये आ गया इनके डैड का प्लेन डोसा, और मेरा है मैसूर मसाला डोसा, जिसको आयत कह रही थी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, ये रोटी को भी पिज़्ज़ा कहती है, हर चीज़ को पिज़्ज़ा कहती है। कैसा है आपका? कैसा है मेरा? कैसा है? मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, मेरा भी अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। फाइनली हमारा सब हो गया, मेरा भी हो गया, अरहम का भी हो गया, आपका है पेंडिंग। पूरा भी खोल सकते हैं? पूरा खोल के क्या करूँ, पानी वेस्ट नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं ईद की छोटी मोटी शॉपिंग, जैसे कि सेवियाँ हो गया, और घर को कोई गेस्ट आए तो उनके बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए। कितना प्यारा, सॉरी देखो। हेलो, यहाँ पर हमने फेरो रोशर ले लिया क्योंकि यहाँ पर अच्छा सा ऑफर चल रहा था ईद का। टॉयज में भी कैसे कैसे चीज़ें आ गए देखो। हम छोटी मोटी शॉपिंग के बाद जब घर जा रहे थे तो मुझे यहाँ पर एक मिट्टी के
क्या बोलते हैं कप्स की एक शॉप मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने आज तक चाय इसमें नहीं पी है। और मैं बहुत सारे रील्स देखती हूँ, लोग इसमें पीते हैं ऐसे टर्किश चाय, ऐसे कुछ है शायद इसका नाम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो मुझे भी ट्राई करना बहुत दिन से दिल बोल रहा था, तो मैंने ले लिया। बट मैं इसको देखती हूँ कि घर जाकर मैं इसको और क्या कैसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। वैसे तो मैं चाय तो ज़रूर बनाऊँगी, मगर इसके अलावा भी मैं देखना चाह रही थी कि मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ और कुछ न्यू वराइटीज़ करके कैसे इसको यूज़ कर सकती हूँ। हाँ बताओ कैसे है? आयत को दिए आप, आयत तो तोड़ देते। नहीं बेटा अच्छी है, नहीं अंदर कहीं भी होल नहीं है ना इसमें, अच्छी है। आज आराम बहुत थक गए, इधर बैठ के रेस्ट करो, हम ना घर को जाते हैं। छोड़ देंगे भैया, भैया आ जाओ, भैया उसे में नहीं आते कहते घर को, भैया उसे में घर को नहीं आते बोले चलो, भैया नाराज है कहते, भैया भैया देखो बहन को नहीं आते, भैया नहीं आते, भैया लेट्स गो बोलो, भैया को लेट्स गो बोलो, लेट्स गो। और मैंने इसमें बनाया है मटका रबड़ी, आप लोग देखिए, देखने में तो काफ़ी अच्छा है बट टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा है। ये देखो बच का खाना और पानी भी रखे लिए। और हम निकल गए थे हमारी नेक्स्ट शॉपिंग की तरफ, हम जो भी ख़रीद रहे थे लाकर गाड़ी में रख कर थोड़ी देर 5-10 मिनट्स रेस्ट करके फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे थे। और मैंने ले लिया था रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि चाय या कुछ भी चाहिए जिस पर मैं रिफ्रेश फील कर सकूँ। कितना प्यारा दिख रहा है व्यू, वो झाड़ों के साथ में वो व्यू जबरदस्त है। क्या खुशबू आ रही, नहीं मट्टी मट्टी की। आ जाओ कम ऑन, मेरे को नहीं बोलो, चलो घर को। अरे 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 कितना खुशी, कितना खुशी, कितना खुशी। Look, कम, आए कम, आराम कम। भाई मिल गया तो खत्म। आ जाओ। चलो बेटा जाएंगे, चलो। चलो घर जाएंगे, देखो आयत भी बोल दिया। आ जाओ घर को जाएंगे। आ जाओ। वाटरफॉली। उधर उधर भी है ना, उधर भी है, उधर भी है। ये पानी झाड़ों के लिए क्या करें यहाँ पे पूरा? ये क्या बोलते हैं? झाड़ों को पानी देने के लिए स्प्रिंकल्स लगाए। अभी अच्छी स्मेल आ रही इधर, अच्छी स्मेल आ रही। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स इंतजाम किए हुए हैं, जैसे कि झाड़ों को प्रॉपर केयर करना, पानी उनको टाइम टू टाइम देना, या स्प्रिंकल्स ऑन ऑफ करना, तो इसका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। तो उन्होंने इसको अरेंज किया है बंदों को, ताकि ये प्रॉपर रहे, सूखे नहीं, ताकि पब्लिक भी यहाँ पर आए, अच्छे से रिलैक्स कर जाए अपनी फैमिलीज के साथ में, और ऑक्सीजन लेवल भी सही रहे, क्योंकि ग्रीनरी से ही काफ़ी बंदे को रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि जॉब करके थक कर आते हैं ना शाम में। खींच के कहीं को लेके जा रहे, बेचारी का दिल नहीं है जाने को, नहीं जाते आयत, यहीं चले जाते। और इस साइड का व्यू आप देख सकते हैं, ऊपर एक रोड है, नीचे एक रोड है, कितनी प्यारी लग रही है इस तरफ से। मैंने पार्क में ठहर कर यहाँ से देखा है, मेरा घर पार्क के उस पार है, और मैं वापसी में जाते वक्त यहाँ पर एक मैंने देखा था कि एक नर्सरी है जहाँ पर अंजीर का झाड़ ऐसे लगा हुआ था। तो मैं अरहम को बता रही थी ये वाइट रोज़ का है, तो बच्चों को मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, तो मैं उसको अरहम को बता रही थी, क्योंकि अभी हम ही बता सकते हैं ना बच्चों को न्यू वैरायटीज़, न्यू चीज़ें नर्सरी में लेकर जाकर। वैसे तो ये ऑन दी वे मुझे मिल गया था, स्पेशली मैंने नहीं गई थी, बट उसको बता रही थी कि क्या क्या वैरायटीज़ के प्लांट्स यहाँ पर है, क्योंकि स्टडीज़ में पढ़ना और लाइव देखना अलग है। यहाँ पर पुदीने का झाड़ भी है, मिंट लीव्स जिसको हम कहते हैं ना, तो यहाँ पर पुदीने का भी है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती है, क्योंकि हम देखते देखते बच्चों को भी दिखाते हैं। लोग देखिए, आप बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं। क्या बोले कि जगह पीएफसी आ गया? हाँ हाँ, ओह वाओ, पीएफसी ब्रांच।